वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 23rd लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। अब तक हमने कैम और फॉलोअर के टाइप्स पढ़े हुए थे पिछले लेक्चर्स में, कि कैम कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या टाइप होता है, उसके बाद फॉलोअर्स देखा था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैम टर्मिनोलॉजी के बारे में, मतलब जो कैम प्रोफाइल हम पढ़ते हैं, कैम और फॉलोअर, तो उसमें कई सारे टर्म्स आएंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्वेश्चंस यहां से बनते रहते हैं, अधिकतर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि कैम एंड प्रोफाइल में अगर आपको पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने लायक है, दिस इज कैम टर्मिनोलॉजी। ठीक है, चलिए आइए हम प्रोसीड करते हैं। दिस इज कैम टर्मिनोलॉजी, इसमें आपको कई सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, प्रेशर एंगल, पिच कर्व, कैम प्रोफाइल, प्राइम सर्किल, बेस सर्किल, ट्रेस पॉइंट, पिच सर्किल, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं यहां पर, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, पिच पॉइंट और सारी चीजें हैं, इनको हमें समझना है और जानना है कि ये होता क्या है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डिफिनेशन उठ के आपके सामने वहां पर चली आएगी और आपको ये बताना होगा कि इनमें से वो क्या है, पिच पॉइंट है या प्राइम सर्किल, मतलब आपके सामने कोई डिफिनेशन लिखी होगी या कोई स्टेटमेंट लिखा होगा, आपको बताना होगा कि इनमें से वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पिच कर्व को बता रहा है कि प्राइम सर्किल को बता रहा है कि बेस सर्किल को बता रहा है कि क्या है वो। ठीक है, हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, पिछला जो टॉपिक था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन वहां से नहीं आ सकता, लेकिन अगर कैम प्रोफाइल की बात करें तो अगर 70-80% चांसेस है यहां से आने के, तो 20% वहां पे है। जो हमने पिछला भी पढ़ा हुआ है कैम प्रोफाइल में, वहां पे 20-30% ही है कि क्वेश्चन वहां से आ सकता है, मैक्सिमम चांसेस इस कैम टर्मिनोलॉजी से ही आ सकता है। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज को बहुत आराम से समझेंगे इसमें हम। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म आता है बेस सर्किल। ठीक है, मैं बार बार इस फिगर को आपको दिखाता रहूंगा ताकि आपको ध्यान में रहे कि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं। क्लियर, अब देखिए, जो हमारी मेन कैम प्रोफाइल है, जो मेन कैम प्रोफाइल है उसको पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, जो मेन कैम प्रोफाइल है मेरी, ये दिस इज माय मेन कैम प्रोफाइल, येलो कलर से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये इसको मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया, दिस इज माय मेन कैम प्रोफाइल। ठीक है, यही मेरी मेन कैम प्रोफाइल है और उसके साथ यहां पे क्या लगा हुआ है, देख पा रहे हो आप, फॉलोअर लगा हुआ है। ठीक है, और फॉलोअर भी हमने किस टाइप का लिया हुआ है, फॉलोअर भी हमने लिया हुआ है रोलर टाइप का, फॉलोअर भी हमने क्या लिया हुआ है, रोलर टाइप का। ये देखिए, इतना तो आप जानते हो बेसिक्स। ये तो हमने बात कर ली किसकी, ये हमने बात कर ली कैम और प्रोफाइल की। अब हम बाकी सारे टर्म्स पे आते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम उठाते हैं किसको, सबसे पहले हम बात करते हैं बेस सर्किल की। जान लेते हैं कैम प्रोफाइल क्या होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, द आउटर शेप ऑफ द कैम। कह रहा है कि कैम की जो भी शेप होती है, जिस भी तरीके का आप शेप ले लो, कैम आप जिस भी तरीके का बनाते हो, दैट शेप, वो आकार ही क्या होता है कैम प्रोफाइल। आपने अगर कैम को इस तरीके से बना दिया है, जनरली इस तरीके से यूज करते हैं, दिस इज कैम प्रोफाइल। अगर आपने इस तरीके से बनाया हुआ है, दिस इज माय कैम प्रोफाइल। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से बनाया हुआ है, वेज टाइप का बनाया हुआ है, तो दिस इज माय कैम प्रोफाइल। जो आउटर शेप होता है, दिस आउटर शेप, उसके बाहर का जो शेप होता है वही होता है कैम प्रोफाइल। क्लियर, इसमें ज्यादा कोई टफ बात नहीं है। अब आते हैं बेस सर्कल पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेस सर्कल। देखिए डिफिनेशन पढ़िएगा, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल। ठीक है, बेस सर्कल क्या होगा, स्मॉलेस्ट सर्कल। कैम प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, एक बेस सर्कल गियर में भी आता है, जब हम गियर पढ़ेंगे तो
तो वहां पे भी पिच सर्कल, बेस सर्कल, डिडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल, ये सारे आएंगे, तो वहां पर भी एक बेस सर्कल आएगा। लेकिन यहां पर अभी हम किस बेस सर्कल की बात कर रहे हैं, यहां पर हम कैम प्रोफाइल में यूज हुए बेस सर्कल की बात कर रहे हैं। तो कैम प्रोफाइल में जो बेस सर्कल होता है क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट सर्कल, ध्यान से सुनिए, टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल, दिस इज टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल को हम कंटूर भी कहते हैं, कंटूर मतलब शेप होता है, कंटूर का मतलब शेप होता है, किसी तरीके का शेप। तो जो भी कैम की प्रोफाइल था, जो भी आउटर शेप था, उसी को तो हमने कैम प्रोफाइल बोला, कैम के आउटर शेप को ही हमने क्या बोला हुआ है, कैम प्रोफाइल बोला हुआ है, ठीक है। तो अब बेस सर्कल क्या बोल रहे हैं, बेस सर्कल जो होगा वो सबसे छोटा सर्कल होगा और ये टेंजेंट होगा, दो पॉइंट, सबसे पहले तो सबसे छोटा सर्किल होगा और टेंजेंट होगा। अब बात आती है किसके टेंजेंट होगा, तो ये टेंजेंट होगा कैम प्रोफाइल के, जो हमने कैम प्रोफाइल बनाई है, उस कैम प्रोफाइल में आपको एक सर्किल बनाना है, उस कैम प्रोफाइल के अंदर आपको एक सर्किल बनाना है, और वो सर्किल कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ उस कैम प्रोफाइल के टेंजेंट होना चाहिए, मतलब कैम प्रोफाइल को स्पर्श करता हुआ जाना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए। कट करने और स्पर्श करने में अलग अलग बात होती है, दो अलग अलग पॉइंट है ये, मैं बोल रहा हूं टेंजेंट होना चाहिए, मतलब ये कैम प्रोफाइल को टच करते हुए जाना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए कहीं पर भी, स्पर्श टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। आगे ड्रॉन फ्रॉम द, क्या है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रेडियल कैम, इट डिसाइड्स द साइज ऑफ द कैम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, लास्ट लाइन जो लिखी है यहां पर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो लाइन लिखी हुई है, इट डिसाइड्स द साइज ऑफ द कैम। ये जो बेस सर्किल होगा, जैसे आप अगर कहीं पर कैम प्रोफाइल कैम बनवाना चाहते हो या कैम फॉलोअर लेने गए, तो जो मैन्युफैक्चरर होगा वो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा कि भैया साइज क्या है, साइज, तो वो साइज आप क्या बताओगे, बेस सर्कल की साइज। मतलब कभी भी अगर कैम प्रोफाइल में कैम की साइज की बात की जाएगी, तो वो कैम की साइज को हम किससे मेजर करते हैं, बेस सर्कल से, ठीक है। अब इसमें आपको कई सारे सर्कल दिखाई देंगे, इसमें पिच सर्कल भी है, प्राइम सर्कल भी है, कई सारे सर्कल हैं, लेकिन कैम की साइज को हम किससे डिसाइड करते हैं, बेस सर्कल से, ठीक है। और बेस सर्कल क्या होता है, बेस सर्कल सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल होता है, विच इज टेंजेंट टू द व्हाट, किसके टेंजेंट होता है, कैम प्रोफाइल के टेंजेंट होता है, क्लियर। अब बात आती है, अगर आप कोई सर्कल बना रहे हो, अगर आप कोई सर्कल बना रहे हो, तो सर्कल का कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर भी होगा, क्लियर। अरे कोई सर्कल बनेगा तो उसका कोई सेंटर भी तो होगा, तो बात आती है इसका सेंटर पॉइंट क्या रखेंगे, जो हम ये बेस सर्कल अब बनाने जा रहे हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट सर्कल एंड टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल, तो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होगा, केंद्र क्या होगा, तो केंद्र क्या होगा, देखिए, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द रेडियल कैम, मतलब जो कैम प्रोफाइल का सेंटर था, जो कैम प्रोफाइल का सेंटर था, उसी को सेंटर मानते हुए हमें एक सबसे छोटा सर्कल बनाना है, विच इज टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल। इतनी बात क्लियर हुई, चलिए यहां पे समझते हैं। देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक रैंडम सी बेस सर्कल समझाने के लिए एक रैंडम सी कैम प्रोफाइल बनाता हूं, ठीक है। यह मैंने एक रैंडम सी कैम प्रोफाइल बना दी, थोड़ा फिगर सही नहीं बना है, इसको हटा देते हैं, एक रैंडम सी यहां पे मैंने कैम प्रोफाइल बना ली, ठीक। अब इस कैम प्रोफाइल का ये सेंटर मान लिया मैंने, इस कैम प्रोफाइल का ये मैंने मान लिया सेंटर। तो अब यहां पे हम बेस सर्कल कैसे खींचेंगे, ये तो मेरा कैम प्रोफाइल हो गया, तो बेस सर्कल खींचने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा, अगर बेस सर्कल खींचना है तो बेस सर्कल खींचने के लिए सबसे पहली चीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, केंद्र। केंद्र आपको मिलेगा वहीं पर, आप गोला प्रकार का पॉइंट रख के तभी तो सर्कल खींचोगे।
तो हमें चाहिए सेंटर, तो हमने बोला कि सेंटर तो वही होगा जो कैम का रोटेशन सेंटर था, बेस सर्कल का सेंटर भी वही होगा, मतलब मेरा सेंटर ये पॉइंट हो गया। अब यहां पर मुझे क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट सर्कल खींचना है विच इज टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल। तो देखिए ये अगर कैम प्रोफाइल जा रही है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी को सेंटर लेते हुए सबसे छोटा सर्कल में इस तरीके से खींच सकता हूं। देखिए दिखाई दे रहा है, अब देखिए ये क्या कर रहा है, जो हमने ये बेस सर्कल खींचा हुआ है, यहां ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं, यहां पर हमने जो बेस सर्कल खींचा हुआ है, दैट बेस सर्कल, आप देखो क्या ये ब्लू लाइन इस रेड लाइन को कट करके बाहर जा रही है, नहीं है, टच करते हुए जा रही है। अगर आप देखो तो यहां पर ये क्या कर रही है, इसको टच करते हुए जा रही है ये, दिखाई दे रहा है, यहां पर ये इसको टच करते हुए जा रही है। तो टच करने का मतलब ये जो ब्लू लाइन डॉट डॉट करके मैंने बनाया हुआ है, दैट ब्लू लाइन इज गोइंग विद टचिंग द कैम प्रोफाइल, ये टच करते हुए जा रही है। क्लियर है पॉइंट, पॉइंट क्लियर है, देखिए ये टच करते हुए जा रही है। ये जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल थोड़ा सही नहीं बन पाया है, लेकिन आप समझिए, ये जो हमने सबसे छोटा सर्कल बनाया, और इस सर्कल की खासियत क्या है, ये जो हमने सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल की खासियत क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल, ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल, ठीक है, साथ में क्या है, इट इज टेंजेंट टू, इट इज टेंजेंट टू, क्या कैम प्रोफाइल के टेंजेंट होगा, साथ ही साथ अगर टेंजेंट है ये कैम प्रोफाइल के, और हम बात करें इसका सेंटर कहां होगा, तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा, सेंटर वही होगा जो कैम का सेंटर है, मतलब जो कैम प्रोफाइल का सेंटर है वही कैम का सेंटर इस बेस सर्कल का भी क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, जो कैम का सेंटर ऑफ रोटेशन है, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट कैम हमारा रोटेट कर रहा है वही क्या हो जाएगा, इस बेस सर्कल का भी सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर वही होगा जो कैम का सेंटर ऑफ रोटेशन है। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर हो गया, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। वापस से एक बार देख लीजिए, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल, क्या करना है, बेस सर्कल की जब भी बात की जाएगी, मतलब सबसे छोटा सर्कल आपको ड्रॉ करना है, सबसे छोटा सर्कल की बात की जाएगी तो बेस सर्कल। दूसरा पॉइंट, इसका सेंटर क्या होगा, क्योंकि सर्कल खींचने के लिए हमें किसी ना किसी सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका सेंटर वही होगा जो हमारे कैम प्रोफाइल का सेंटर होगा, कैम प्रोफाइल का सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अगला पॉइंट, ये टेंजेंट होगा, किसके टेंजेंट होगा, कैम प्रोफाइल के टेंजेंट होगा, और इसी के बेसिस पे हम अपने कैम के साइज को डिफाइन करते हैं, मतलब बेस सर्किल ही वो पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम कैम की साइज को बताएंगे। अगर बोला जा रहा है कैम की साइज छोटी है या बड़ी है, मतलब उस इनडायरेक्टली उसके बेस सर्किल की बात की जा रही है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर प्रोसीड करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ट्रेस पॉइंट। अब देखिए ट्रेस पॉइंट कहां पर है, इधर देखिए ट्रेस पॉइंट, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ट्रेस पॉइंट, ये दिखाई दे रहा है ट्रेस पॉइंट, दिखाई दे रहा है ये ट्रेस पॉइंट। अब ये ट्रेस पॉइंट क्या होता है, क्या दिखाई दे रहा है आपको यहां से, ये किसी चीज का आपको सेंटर दिखाई दे रहा है, क्या ये रोलर का सेंटर नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो कैम फॉलोअर में हमने फॉलोअर बनाया हुआ है, रोलर हमने फॉलोअर में क्या लगा रखा है, फॉलोअर में एक रोलर लगा रखा है, तो क्या ये आपको रोलर का सेंटर नहीं दिखाई दे रहा है, विच इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रोलर विच इज अटैच टू द फॉलोअर, तो क्या लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द फॉलोअर,
ये फॉलोअर के मोशन को बताएगा, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर टू ट्रेस द कैम प्रोफाइल सच दैट एज द नाइफ एज ऑफ नाइफ एज फॉलोअर एंड द सेंटर ऑफ द रोलर ऑफ अ रोलर फॉलोअर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट लोएस्ट पोजिशन इन केस ऑफ मशरूम फॉलोअर। क्या होगा ये ट्रेस पॉइंट? देखिए, हमने तरह तरह के कैम पढ़े हुए हैं, हमने तरह तरह के कैम पढ़े हुए हैं। सबसे पहली चीज, ये ट्रेस पॉइंट क्या बताएगा? ये ट्रेस पॉइंट रिप्रेजेंट करता है फॉलोअर के मोशन को। इट इज द रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर। मैंने आपको दिखाया क्या है ये, क्या ये फॉलोअर पर आपको एक पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है? तो अगर हमने यहां पर रोलर लिया हुआ है तो रोलर का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो रोलर का सेंटर पॉइंट होगा, दैट पॉइंट विल बी ट्रेस पॉइंट। क्लियर हुआ? रोलर का जो सेंटर पॉइंट है दैट पॉइंट विल बी द ट्रेस पॉइंट। अब मान लीजिए यहां पे हमने रोलर फॉलोअर नहीं लिया है, हमने नाइफ एज फॉलोअर लिया है, तो नाइफ एज फॉलोअर के केस में क्या हो जाएगा? ये हो गया कैमशाफ्ट का सेंटर। मान लीजिए यहां पे हमने नाइफ एज फॉलोअर ले रखा है, तो नाइफ एज फॉलोअर के केस में, तो ये इस नाइफ एज फॉलोअर के केस में जो नाइफ एज वाला पॉइंट होगा दैट पॉइंट विल बी ट्रेस पॉइंट। देखिए यही तो लिखा होगा यहां पर, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर टू ट्रेस द कैम प्रोफाइल। ये क्या करेगा? कैम प्रोफाइल को ट्रेस करेगा। ट्रेस मतलब जब आप किसी चीज को ट्रेस करते हो तो उसके चारों तरफ क्या करते हो, घूमते हो ना, उसको ट्रेस करते हो कहां कहां जा रहा है वो पॉइंट। तो इट इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर टू ट्रेस द कैम प्रोफाइल सच एज द नाइफ एज ऑफ नाइफ एज फॉलोअर। मतलब अगर हम नाइफ एज फॉलोअर लेंगे, अगर हम नाइफ एज फॉलोअर लेंगे तो नाइफ एज फॉलोअर के केस में जो उसका नाइफ एज वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस नाइफ एज पॉइंट विल बी द ट्रेस पॉइंट। अगर हमने रोलर ले रखा है तो क्या होगा? उस रोलर का रेफरेंस पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड सेंटर ऑफ रोलर। देखिए अगर हमने रोलर फॉलोअर ले रखा है, मतलब यहीं पर अगर मैं क्या करूं, अब इस कैम में मैं रोलर बना दे रहा हूं, ठीक है, इस कैम में अगर यहां पर मैंने रोलर फॉलोअर ले रखा है इस तरीके का, तो इस रोलर का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट सेंटर पॉइंट विल बी द ट्रेस पॉइंट। देखिए यही लिखा है, सेंटर ऑफ रोलर ऑफ अ रोलर फॉलोअर। मतलब अगर हमने नाइफ एज फॉलोअर ले रखा है तो उसका जो शार्प एज वाला पॉइंट होता है, नाइफ एज वाला पॉइंट, दैट पॉइंट विल बी द ट्रेस पॉइंट। अगर हमने रोलर फॉलोअर ले रखा है तो उस रोलर फॉलोअर का सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, उसी को बोल देंगे ट्रेस पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट लोएस्ट पोजिशन इन केस ऑफ मशरूम फॉलोअर। और कह रहा है कि अगर हमने मशरूम फॉलोअर ले रखा है, मतलब अब इस तरीके का फॉलोअर ले रखा है, ये तो कैम हो गया, और यहां पर हमने लेट से फ्लैट फेज्ड मशरूम फॉलोअर ले रखा है कुछ इस तरीके का, स्प्रिंग है, यहां पे मैंने गाइड बना दी, ठीक है। अब ये जो फ्लैट फेज फॉलोअर का, ये जो फ्लैट फेज फॉलोअर का आपको जो ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, विच इज इन द कॉन्टेक्ट विद द कैम, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिखाई दे रहा है यहां पर, जहां पर ये फॉलोअर इस कैम को टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द लोएस्ट पोजिशन, और सबसे नीचे पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट पॉइंट विल बी द व्हाट, दैट पॉइंट विल बी द ट्रेस पॉइंट। तो समझ में आ गया, अगर आप कैम के शेप को बदलते जाओगे तो कैम का शेप बदलने के साथ साथ उसका ट्रेस पॉइंट भी बदलता जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अगर नाइफ एज फॉलोअर है तो नाइफ एज फॉलोअर का जो टिप पॉइंट होता है, नाइफ एज फॉलोअर का ये वाला टिप पॉइंट जहां ये टच कर रहा है इस कैम प्रोफाइल को, दैट पॉइंट विल बी ट्रेस पॉइंट। और अगर हमने रोलर फॉलोअर ले रखा है, यहां पर देखिए अगर रोलर फॉलोअर ले रखा है तो रोलर फॉलोअर का सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, रोलर फॉलोअर का सेंटर पॉइंट हो जाएगा ट्रेस पॉइंट। और अगर हमने ले रखा है, क्या ले रखा है, अगर हमने मशरूम फॉलोअर लिया है और फ्लैट मशरूम फॉलोअर में भी क्या फ्लैट फेस्ड, ठीक है, दो तरीके के हमने पढ़े थे, एक स्फेरिकल वाला, तो स्फेरिकल में क्या हो जाता, स्फेरिकल में इस तरीके का शेप हो जाता,
ठीक, तो यहां पे कहीं टच करता है इसको, दैट पॉइंट विल बी द ट्रेस पॉइंट। समझ में आ रहा है पॉइंट, क्लियर है क्या? ट्रेस पॉइंट क्लियर है? अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली, पहला बेस सर्कल, दूसरा ट्रेस पॉइंट। वापस से रिवाइज कर लेते हैं। बेस सर्कल क्या पढ़ा? बेस सर्कल क्या पढ़ा? बेस सर्कल के बारे में हमने पढ़ा, इट इज द, बेस सर्कल के बारे में हमने पढ़ा, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द कैमशाफ्ट विच इज टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल। और ये क्या करता है? ये हमें कैम की साइज के बारे में बताता है, इट डिसाइड्स द साइज ऑफ द कैम। और ट्रेस पॉइंट के बारे में हमने क्या पढ़ा? ट्रेस पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा, इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द फॉलोअर, ये फॉलोअर के मोशन के बारे में बताएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि कैम की शेप कैसे है या फॉलोअर की शेप कैसी है। अगर आप फॉलोअर को बदलोगे तो ये चेंज होता जाएगा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द फॉलोअर। ये क्या कर रहा है? ये फॉलोअर के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं फॉलोअर के शेप को बदलूंगा तो फॉलोअर बदलने के साथ हमारा ट्रेस पॉइंट भी बदलता जाएगा। अगर नाइफ एज फॉलोअर है तो नाइफ एज फॉलोअर के केस में टिप वाला पॉइंट नाइफ एज, अगर रोलर फॉलोअर है तो रोलर फॉलोअर का सेंटर वाला पॉइंट, और अगर मशरूम फॉलोअर है तो द लोएस्ट पॉइंट विच इज इन द कॉन्टेक्ट विद द कैम, वो होगा ट्रेस पॉइंट। क्लियर है पॉइंट? मेरे ख्याल से दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी अच्छे से। क्लियर पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बताइए, कैम साइज डिपेंड्स अपॉन और द फैक्टर दैट डिसाइड्स द साइज ऑफ द कैम। सिंपल आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेस सर्किल। अभी हमने पढ़ा कि बेस सर्किल ही क्या करता है? कैम की साइज को डिसाइड करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बेस सर्किल। क्लियर? आगे देखिए, पिच कर्व, पिच कर्व, पिच कर्व। आपको यहां पे पिच कर्व समझने के लिए एक लाइन में लिख रहा हूं, उसको याद रखिएगा। दैट लाइन इज ट्रेस पॉइंट से पिच कर्व बनेगा। क्या बोला मैंने? ट्रेस पॉइंट से पिच कर्व बनेगा। क्लियर पॉइंट? ये जो ट्रेस पॉइंट अभी हमने पढ़ा, उस ट्रेस पॉइंट से ही क्या बनेगा? पिच कर्व बनेगा। कैसे? देखते हैं। अब हमें यह चीज पता है, यहां पर इस लाइन को मैं अब हटा दे रहा हूं, आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा अपनी नोट्स में बगल, ठीक है? अब इस पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। देखिए, पिच कर्व, पहले मैं आपको फिगर दिखा देता हूं, पिच कर्व है क्या, दिखाई दे रहा है ये पिच कर्व? ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, और इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं एक नए कलर से, ले लेते हैं इस बार हम ग्रीन कलर, ठीक है? इस बार हम ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये देखिए, ये जा रहा है पिच कर्व, दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर, जिस ग्रीन कलर, ग्रीन कलर इज शोइंग द पिच कर्व। अब ये पिच कर्व ड्रॉ कैसे होता है, कैसे बनाते हैं पिच कर्व, ठीक है? कैसे बनाते हैं पिच कर्व, इसको समझिए। तो मैंने आपको लाइन क्या लिखाई है? मैंने आपको लाइन लिखाई है ट्रेस पॉइंट से पिच कर्व बनेगा, ठीक है? जो ट्रेस पॉइंट अभी हमने पढ़ा, उस ट्रेस पॉइंट से ही हम क्या बनाएंगे? पिच कर्व बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको देखिए। अब ये पिच कर्व बनाने के लिए हम ये मानते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन पिच कर्व को डिफाइन करने के लिए दिस इज अ एजम्पशन, डिफाइन करने का ये तरीका है कि पिच कर्व को हम डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे आपको ये चीज पता है, देखिए यहां देखिए,
अब हमें क्या चीज पता है, ध्यान से सुनिए, हमें पता है कि यहां पर कैम अपने सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट, यहां पे सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगा, क्लियर। और जब ये सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगा तो यहां पे मैं रोलर फॉलोअर ले रखा हूं समझाने के लिए आपको, यहां पे गाइड बना रखा है मैंने, यहां पे थोड़ा स्पेस है गाइड और उसके बीच, बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं। यहां पे ये मैंने रोलर फॉलोअर लिया है, इस पिच कर को समझने के लिए हम रोलर फॉलोअर लेते हैं, बाकी फिर अभी हम नाइफ एज फॉलोअर का भी देखेंगे पिच कर क्या है, ठीक है। समझिए, ध्यान से समझिएगा इसको, लेट्स से इसके सेंटर को मैंने बना दिया ये टू कलर, ये रोलर फॉलोअर का क्या हो गया, ये रोलर फॉलोअर का सेंटर हो गया, क्या इसको हम ट्रेस पॉइंट बोल सकते हैं, क्या रोलर फॉलोअर के सेंटर को हम ट्रेस पॉइंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, अभी अभी तो पढ़ा हमने, ठीक है। अब देखिए, हमें यह चीज पता है कि जब यहां पर कैम रोटेट करेगा, कैम क्या कर रहा है, ओमेगा विच इज यूनिफॉर्म स्पीड, उससे वो रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, लेट्स से डायरेक्शन में पलट देता हूं, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, बस समझिए इसको, आप चाहे राइट हैंड घुमाओ चाहे लेफ्ट हैंड घुमाओ कोई मतलब नहीं है उससे, इस डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, जब ये कैम रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये जो फॉलोअर है किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये घूम के इसकी ये वाली सरफेस, इधर वाली सरफेस, ये जब इधर वाली सरफेस इस फॉलोअर के टच में आएगी तो फॉलोअर नीचे जा रहा होगा, मतलब हमने ये पढ़ा है कि कैम के रोटेट करने की वजह से हमारा फॉलोअर कैसा मोशन कर रहा होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ऊपर नीचे मोशन कर रहा होगा, ये हमने कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा है, ठीक। अब आगे बात ये है कि हमने ये जाना कि कैम रोटेट करेगा तो फॉलोअर मेरा ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन अब पिच कर्व को डिफाइन करने के लिए हम ये मानते हैं, वी एज्यूम, हम मानते हैं पिच कर्व को डिफाइन करने के लिए, लेट कैम इज स्टेशनरी, क्या बोला मैंने, पिच कर्व को डिफाइन करने के लिए मैं ये मान रहा हूं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो मेरा कैम है इसको मैंने स्टेशनरी मान लिया, जबकि कैम स्टेशनरी होता नहीं है, अरे यार वो तो रोटेट करेगा, ठीक है, लेकिन पिच कर्व को डिफाइन करने के लिए ये हमने एजम्पशन माना कि लेट से कैम इज स्टेशनरी, ठीक है, कैम को हमने रोक दिया, ठीक है, रोक दिया। अब इस रोलर फॉलोअर को, इस रोलर को क्या करिए, कैम यहां पे हमारे पास जो ये कैम है, ये कैम रुका हुआ है, ठीक है, अब कैम घूम नहीं रहा है, कैम रुका है, और इस रोलर को आप इसके चारों तरफ घुमाओ, वेयर इज दैट, यहां पर, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कैम को हमने मान लिया स्टेशनरी, अब इस रोलर को हम इस कैम के चारों तरफ घुमा रहे हैं, मतलब इस तरीके से, यहां पर देखते जाइएगा फिगर, कभी कैम यहां पर होगा, ये रोलर यहां होगा, फिर रोलर यहां पर होगा, फिर रोलर कभी यहां पर होगा, हम क्या कर रहे हैं, कैम को स्टेशनरी मानकर रोलर को इस कैम के चारों तरफ घुमा रहे हैं, ठीक है। ये किया, ठीक है, जनरली कैम स्टेशनरी होता नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, कैम को स्टेशनरी माना, और हम ये मान रहे हैं कि इस रोलर को हमने इस स्टेशनरी कैम के अराउंड चारों तरफ घुमाया, तो घुमाने पर क्या होगा, देखिए इसका सेंटर कहां कहां जा रहा है,
इसका सेंटर क्या होगा, अगर रोलर यहां पे होगा तो रोलर का सेंटर यहां पर होगा, अगर रोलर यहां है तो रोलर का सेंटर यहां, रोलर का सेंटर यहां, बना लिया रोलर का सेंटर बना लिया। अब क्या करिए, ये रोलर जहां जहां गया और इसका सेंटर जहां जहां गया, उन सेंटर पॉइंट्स को, उस ट्रेस पॉइंट को, जिसको इस रोलर के सेंटर पॉइंट को ही तो हमने ट्रेस पॉइंट बोला था, सबको मिलाते चले जाइए, ठीक है, सबको मिलाते चले गए। तो ये जो कर्व बना है, दैट कर्व, ये जो कर्व बना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये जो कर्व बना यहां पर, इनके सेंटर्स को मिलाते हुए चले गए, इनके सेंटर्स को हम मिलाते हुए चले गए, तो ये जो कर्व मेरे पास बनकर आया, दिस कर्व इज पिच कर्व। क्लियर हुआ, बात समझ में आई है। हमने क्या किया, मान लिया कि कैम स्टेशनरी है, उसके बाद इस फॉलोअर का ये जो रोलर वाला पार्ट है, इसको हमने इस कैम के चारों तरफ घुमाया, तो रोलर जहां जहां गया, उसका ट्रेस पॉइंट जहां जहां गया, उस ट्रेस पॉइंट को हम मिलाते हुए चले गए, तो जो कर्व बन के आया, दिस कर्व इज माई पिच कर्व। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पिच कर्व। ठीक, इसी को हम बोलते हैं पिच कर्व। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए क्या हो रहा है, कैम यहां पर जो कैम प्रोफाइल है, ठीक है, दिस इज कैम प्रोफाइल, ये कैम प्रोफाइल जा रही है, ये कैम प्रोफाइल गई, ठीक। देखिए क्या हुआ, कभी रोलर यहां है, फिर कभी रोलर यहां पर होगा, तो उसका सेंटर पॉइंट यहां होगा, कभी रोलर यहां पर होगा तो उसका सेंटर पॉइंट यहां पर होगा, कभी रोलर यहां पर होगा तो उसका सेंटर पॉइंट यहां पर होगा। इस तरीके से रोलर जब अलग अलग जगह होगा, उसके ट्रेस पॉइंट को मिलाते चले जाइए, आराम से आप बना लेंगे क्या, पिच कर्व। बात समझ में आई, पिच कर्व समझ में आया क्या होता है, क्लियर हुआ पिच कर्व क्या होता है। मेरे ख्याल से मैंने कोशिश जो की उससे आपको यह चीज समझ आ गया होगा कि पिच कर्व होता क्या है। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं, पिच कर्व देखते हैं, डिफिनेशन देखिए, इट इज द लोकस, लोकस मतलब बिंदु पथ, इट इज द लोकस ऑफ द ट्रेस पॉइंट। देखिए मैंने बोला ना, ट्रेस पॉइंट से बनेगा पिच कर्व, ठीक है। हमने क्या लिखा था, स्टेटमेंट क्या लिखा था, हमने स्टेटमेंट लिखा था कि ट्रेस पॉइंट से, ट्रेस पॉइंट से पिच कर्व बनेगा, ठीक है। तो इट इज द लोकस, बिंदु पथ है किसका है, ऑफ द ट्रेस पॉइंट, एज्यूमिंग ये मानते हुए दैट द कैम इज फिक्स्ड, कैम को हमने फिक्स मान लिया, एंड ट्रेस पॉइंट ऑफ द फॉलोअर रोटेट्स अराउंड द कैम। ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई कैम है, उस कैम को मैंने स्टेशनरी मान लिया, और यहां पर जो रोलर का ट्रेस पॉइंट था, इसको अगर मैं इस कैम के चारों तरफ, अराउंड कैम चारों तरफ घुमा दूं इस तरीके से, तो ये जो कर्व बन के आया, यही कर्व मेरा क्या होगा, दिस कर्व इज पिच कर्व। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पॉइंट क्लियर है पिच कर्व का, क्लियर है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं प्राइम सर्किल, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइम सर्किल, देखिए जितने टर्म्स हम पढ़ते जा रहे हैं, हर एक टर्म अपने पीछे वाले से कनेक्टेड है। अगर आपने पीछे वाले टर्म को अच्छे से समझा है, तो आगे वाले टर्म्स को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने पीछे वाले टर्म्स को अच्छे से समझा हुआ है, तो आगे वाले टर्म्स को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर है पॉइंट।
चलिए अब हम समझते हैं प्राइम सर्कल को, क्या इसको मैं क्लियर कर दूं? ठीक, इसको हटा दे रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको ये पिच कर्व समझ आ गया होगा, क्लियर। अब हम देखते हैं प्राइम सर्कल, ठीक है, प्राइम सर्कल देखिए, अभी अभी हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था बेस सर्कल, तो बेस सर्कल में हमने क्या पढ़ा था, बेस सर्कल में हमने क्या पढ़ा था, बेस सर्कल में हमने पढ़ा था इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल। अगर सर्कल की बात की जा रही है तो मतलब वो सर्कल ही होगा, और सर्कल खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक सेंटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब वो सेंटर क्या होगा, अब बात ये आती है कि वो सेंटर क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं प्राइम सर्कल में द स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉन टेंजेंट टू द पिच कर्व, क्लियर हुआ, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब हमने बेस सर्कल की बात की थी वो भी एक स्मॉलेस्ट सर्कल था, और अब हम जब प्राइम सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, ये भी एक स्मॉलेस्ट सर्कल है, ठीक। लेकिन जो बेस सर्कल था वो टेंजेंट किसके था, ये बताइए, जो बेस सर्कल था वो टेंजेंट किसके था, इट वॉज टेंजेंट टू व्हाट, कैम प्रोफाइल, किसके टेंजेंट था, ये टेंजेंट था कैम प्रोफाइल के, याद आ रहा है, ये किसके टेंजेंट था, ये टेंजेंट था कैम प्रोफाइल के, इट वॉज टेंजेंट टू कैम प्रोफाइल। और प्राइम सर्कल किसके टेंजेंट है, पिच कर्व, क्लियर। प्राइम सर्कल किसके टेंजेंट होगा, पिच कर्व के, और बेस सर्कल किसके टेंजेंट था, कैम प्रोफाइल के, क्लियर हुआ पॉइंट। अब बात यह आती है कि बेस सर्कल का जो सेंटर वाला पॉइंट था वो कैम का सेंटर ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट ही हो गया था, मतलब जब हम बेस सर्कल बना रहे थे, लेट्स से थोड़ा फिगर मैं सही बनाता हूं, ये जो कैम का सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है, तो जब हम बेस सर्कल बना रहे थे तो ये हो गई लेट्स से हमारी कैम प्रोफाइल, इसको हमने बोल दिया कैम प्रोफाइल, क्लियर। तो अब करना क्या है, देखिए जब हम बेस सर्कल बना रहे थे तो हमने कैम प्रोफाइल के टेंजेंट लाइन खींची थी, ध्यान आ रहा है, कैम प्रोफाइल के टेंजेंट लाइन खींची थी, तो यहां पे हम बनाते हैं कैम प्रोफाइल के टेंजेंट लाइन, देखिए ये हो गई हमारी कैम प्रोफाइल, और एक सर्किल हमको इस तरीके का बनाना है, सर्किल हमको इस तरीके का बनाना है कि दैट सर्किल, कि दैट सर्किल इज टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो बेस सर्किल है, बेस सर्किल बनाते वक्त, बेस सर्किल बनाते वक्त आपको कैम प्रोफाइल के टेंजेंट सर्किल बनाना है, तरीके से, क्लियर है। तो देखिए यहां पे जो बेस सर्कल हमने बनाया हुआ है, दिस बेस सर्कल इज टेंजेंट टू दिस कैम प्रोफाइल, क्लियर। अब हमने कैम प्रोफाइल बना लिया और इस कैम प्रोफाइल की हेल्प से हमने पिच कर्व बना लिया, क्लियर। अब हमने क्या बोला है कि इस कैम प्रोफाइल की हेल्प से हमने क्या किया है, पिच कर्व बनाया है। पिच कर्व कैसे बनाया, पिच कर्व कैसे बनाया, अभी अभी हमने लिखा था ट्रेस पॉइंट की हेल्प से, ठीक है, ट्रेस पॉइंट की हेल्प से। तो लेट्स से अब हम बनाते हैं यहां पे पिच कर्व, क्लियर।
ध्यान से देखते जाएगा, एक एक स्टेप ध्यान से देखते जाइए। अब हम यहां पे बनाते हैं पिच कर्व। तो भाई पिच कर्व कैसे होगा बताओ, पिच कर्व कैसे होगा? अगर मान लो यहां पे ट्रेस पॉइंट होता यहां पर, तो उसको क्या करते, कैम को फिक्स मानते हुए चारों तरफ घुमाते पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से बन रहा होता हमारा पिच कर्व, क्लियर? इसको एक सॉलिड लाइन कर दीजिए। This green line is pitch curve. अब हमें क्या करना है, इस पिच कर्व के टेंजेंट बनाते हुए एक सर्कल खींचना है। ध्यान रखिएगा, अब हमें इस पिच कर्व के टेंजेंट बनाते हुए एक सर्कल खींचना है। मतलब अब हम जो सर्कल बनाने जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, पिच कर्व के टेंजेंट होना चाहिए, और इसका भी सेंटर वही रहेगा जो हमारा कैम साफ्ट का सेंटर था। पॉइंट क्लियर हो रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब हम बेस सर्कल की बात कर रहे थे तो बेस सर्कल किसके टेंजेंट था, बेस सर्कल टेंजेंट था हमारे कैम प्रोफाइल के, और जब हम प्राइम सर्कल की बात कर रहे हैं तो हमारा प्राइम सर्कल टेंजेंट किसके होगा, पिच कर्व के। तो चलिए पिच कर्व के टेंजेंट हम बनाते हैं एक सर्कल। कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर मैं, देखिए तो ये हो गया हमारा पिच कर्व ग्रीन वाला। अब इसको सेंटर मानते हुए एक स्मॉलेस्ट सर्कल खींचना है विच इज टेंजेंट टू द पिच कर्व। तो देखिए कुछ इस तरीके से, अप्रोक्स इस तरीके से बनेगा। मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बना पाऊंगा, ये दिखाई दे रहा है दिस ब्लू लाइन। तो दिस ब्लू लाइन इज माय प्राइम सर्कल, क्लियर? और ये जो डार्क ब्लू लाइन है, और ये जो डार्क ब्लू लाइन है, दिस डार्क ब्लू लाइन इज माय बेस। मेरे ख्याल से बेस सर्कल प्राइम सर्कल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक ही डिफरेंस है क्या, कि ये टेंजेंट होगा, जो बेस सर्कल होगा टेंजेंट होगा कैम प्रोफाइल के, और जो प्राइम सर्कल होगा वो टेंजेंट होगा पिच कर्व के। बाकी दोनों का जो सेंटर ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट था वही सेंटर बन जाता है, क्लियर है पॉइंट? और पिच कर्व कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। पिच कर्व बनता है ट्रेस पॉइंट से, कैम को फिक्स मान लीजिए और ट्रेस पॉइंट को इस कैम को स्टेशनरी मानते हुए उसके चारों तरफ घूमी घूमी करा दीजिए, बन जाएगा क्या, पिच कर्व, क्लियर? क्या डिफरेंस क्लियर है बेस सर्कल और पिच कर्व में, क्लियर है? पिच सर्कल आगे है, यहां पे हमने प्राइम सर्कल पढ़ा। तो हमने अभी तक कितने पॉइंट्स पढ़ लिए, चार पॉइंट। वापस से देखते हैं, सबसे पहले बेस सर्कल पढ़ा। बेस सर्कल क्या होता है, बेस सर्कल में हमने पढ़ा कि जो हमारी एक्चुअल कैम प्रोफाइल होती है उसके टेंजेंट आपको एक सर्कल खींचना है स्मॉलेस्ट, और वो क्या होना चाहिए, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन वही होना चाहिए जो हमारे कैम का सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, वही उसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा बेस सर्कल का, ठीक है? प्राइम सर्कल क्या होगा, प्राइम सर्कल में हमने क्या पढ़ा, प्राइम सर्कल विल बी द टेंजेंट टू द पिच कर्व, ठीक? पिच कर्व कैसे बनाते हैं, पिच कर्व बनाने के लिए हमने कैम को स्टेशनरी मान लिया, ट्रेस पॉइंट को चारों तरफ घुमा दिया किसके, कैम के, बन गया क्या, पिच कर्व। तो ट्रेस पॉइंट क्या होता है, ट्रेस पॉइंट अलग अलग फॉलोअर के लिए अलग अलग होता है। जनरली जो रोलर फॉलोअर होता है उसका सेंटर पॉइंट ही होता है हमारा क्या, ट्रेस पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ आगे है प्रेशर एंगल, आपको ये गियर में भी देखने को मिलेगा प्रेशर एंगल, ठीक है?
इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द पिच कर्व एट ट्रेस पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर। ठीक है, क्या है, किसके बीच का एंगल है, दो लाइनों, देखिए आप कोई भी एंगल बनाते हो तो एंगल दो लाइनों के बीच बनेगा। ठीक है यार, हमेशा एंगल दो लाइनों के बीच ही बनेगा। अब वो दो लाइन है कौन कौन सी, एक तो कह रहा है एक लाइन तो आप ले लो, क्या एक लाइन आप ले लो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, कह रहा है एक तो हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, दूसरा क्या हो गया नॉर्मल टू द पिच कर्व। एक आपको लाइन खींचनी है, कैसे, वो कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल टू द पिच कर्व, दैट लाइन शुड बी नॉर्मल टू पिच कर्व। दैट लाइन शुड बी नॉर्मल टू पिच कर्व। अब देखिए मैं आपको फिगर दिखाता हूं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आ गई है। अब हम प्रेशर एंगल को समझने के लिए इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए प्रेशर एंगल, देखिए प्रेशर एंगल, अब देखिए ये जो पिच कर्व है मेरा, ठीक है, पिच कर्व कहां पे जा रहा है, ये है पिच कर्व, क्योंकि प्रेशर एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको पिच कर्व के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। ध्यान रखिएगा, आपको पिच कर्व के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, इन दोनों के बीच का एंगल ही क्या होगा, वही एंगल होगा हमारा प्रेशर एंगल। तो ये देखिए मेरा जा रहा है पिच कर्व, इसको पहले मैं आउटलाइन कर दूं, ये बनाया हमने। ठीक है, हमने पिच कर्व को सबसे पहले आउटलाइन कर लिया। अब इस पिच कर्व के आपको क्या करना है, इस पिच कर्व के आपको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी। ठीक है, कहीं पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन, तो हमने लेट्स से यहां पे इसी को हम समझते हैं अभी, ये देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जब ट्रेस पॉइंट यहां पर होगा, ट्रेस पॉइंट हमारा मतलब जो रोलर का सेंटर पॉइंट है, जब यहां पर होगा तो ये हो गया हमारा ट्रेस पॉइंट। अब इस ट्रेस पॉइंट पर आपको पिच कर्व पर एक नॉर्मल लाइन खींचनी है, तो पिच कर्व पर नॉर्मल लाइन कैसे खींचेंगे भैया बताओ, पिच कर्व पर हम नॉर्मल लाइन कैसे खींच पाएंगे, ये देखिए जा रही है नॉर्मल लाइन, पिच कर्व पर एक हमने नॉर्मल लाइन खींचनी, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द पिच कर्व, साथ में पिच कर्व पर एक नॉर्मल लाइन खींचनी है आपको, पिच कर्व पर आपको एक नॉर्मल लाइन खींचनी है, नॉर्मल टू द पिच कर्व, साथ में आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, अगर फॉलोअर वहां पर होता, अगर मेरा फॉलोअर ये वाला फॉलोअर यहां पर होता तो फॉलोअर के डायरेक्शन की मोशन क्या होती, फॉलोअर के डायरेक्शन की मोशन होती ये रेड वाली लाइन जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये ठीक है, ये हो गई फॉलोअर डायरेक्शन। अगर यहां पर फॉलोअर होता तो फॉलोअर के डायरेक्शन की मोशन कुछ इस तरीके से होती, ऐसे फॉलोअर जा रहा होता, अगर फॉलोअर यहां होता तो ठीक। तो ये जो नॉर्मल लाइन मैंने बनाई, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल टू द पिच कर्व एंड मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी प्रेशर एंगल। क्लियर है, प्रेशर एंगल समझ में आया।
आपको सीधे पिच कर्व पर जाना है, पिच कर्व पर ट्रेस पॉइंट पकड़िए और उस पर पिच कर्व से एक आपको पास होती हुई नॉर्मल लाइन खींचनी है, मतलब लाइन पिच कर्व के नॉर्मल होनी चाहिए। अगर यहां पर देखिए मैं इस तरीके से बात करूं, अगर यहां पर बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर अगर देखिए फॉलोअर इस तरीके से है, तो यहां पर ये जो पिच कर्व जा रहा है, पिच कर्व के नॉर्मल लाइन कुछ इस तरीके होती और फॉलोअर के डायरेक्शन की मोशन ऊपर की तरफ होती, ये नॉर्मल हो जाता और ये फॉलोअर की डायरेक्शन हो जाती। ये जो तीर बनाया मैंने, ये जो यहां पर मैंने तीर बनाया, दिस तीर, ये तीर क्या हो जाता, ये तीर फॉलोअर की डायरेक्शन हो जाती, फॉलोअर डायरेक्शन, ठीक है, फॉलोअर के मोशन की डायरेक्शन हो जाती। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता, इसी को बोलते हम प्रेशर एंगल, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। देखिए अच्छा यहां पर भी प्रेशर एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर पिच कर्व के, यहां पर अगर देखिए पिच कर्व कैसे दिखाई दे रहा है, दिस इज पिच कर्व, तो यहां पर पिच कर्व कैसे दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, तो यहां पर इस पिच कर्व के परपेंडिकुलर लाइन कैसे जाएगी, ये हो गई पिच कर्व, इसके परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके से पास होगी, ये मैंने पास करा दी पिच कर्व। अब यहां पे जो फॉलोअर है उसका मोशन कैसे होगा, यहां पर जो फॉलोअर है सर, उसका फॉलोअर का मोशन तो ऐसे होगा, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बना, दिस एंगल इज माई, ठीक है, तो ऐसे ही जगह जगह का जो प्रेशर एंगल होता है वो अलग अलग मिलता है। पूरे कैम एंड फॉलोअर पर आपको कई तरीके के प्रेशर एंगल मिलेंगे, कम ज्यादा मीडियम, मतलब प्रेशर एंगल आप हर एक जगह पे जाओगे, मतलब अगर पिच कर्व पे आप इस जगह पे आओगे, इस जगह पर आओगे, इस जगह पर आओगे, तो हर एक जगह पे आपको अलग अलग प्रेशर एंगल मिलेगा। बात समझ में आ रही है, पिच कर्व पर आप जितनी जगह पर जाओगे आपको अलग अलग प्रेशर एंगल दिखाई देगा। मतलब लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, इस चीज, इस फिगर को मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला पिच कर्व पर आप जितनी जगह पे जाओगे आपको उतने प्रेशर एंगल मिलेंगे। मान लीजिए यहां पे मैं प्रेशर एंगल की एक लिमिट बना लेता हूं, ठीक है, कई सारे प्रेशर एंगल, लेट्स से किसी जगह पर आपको प्रेशर एंगल 15 डिग्री मिलता है, किसी जगह पर आपको प्रेशर एंगल 25 डिग्री मिलता है, किसी जगह पर आपको प्रेशर एंगल 14 डिग्री मिलता है, किसी जगह पर आपको प्रेशर एंगल 20 डिग्री मिलता है, कई सारे मिल रहे हैं, तो उन सारे प्रेशर एंगल में जो मैक्सिमम प्रेशर एंगल होगा, बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी, मैं कह रहा हूं कि आप हर जगह पे गए, आपने घाट घाट का पानी पिया, ठीक, कई जगह पे गए, तो आपको जो प्रेशर एंगल सबसे मैक्सिमम मिलेगा, जो प्रेशर एंगल सबसे मैक्सिमम होगा, तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पिच कर्व पर जगह जगह पे जा रहे हैं प्रेशर एंगल निकालने के लिए, तो हमने कई सारे प्रेशर एंगल निकाल लिए, तो जिस जगह पर पिच कर्व के जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा प्रेशर एंगल मिलेगा, उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, बदल के उस पॉइंट का नाम बदल के हो जाएगा पिच पॉइंट। देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं, मैंने क्या बोला वापस से सुनिए, मैंने बोला कि जब आप पिच कर्व पर जाओगे तो पिच कर्व पर आप जितनी जगह पर जाओगे आपको उतने सारे प्रेशर एंगल मिलेंगे, तो हमारे पास बंच ऑफ क्या हो गया, कई सारे प्रेशर एंगल हो गए, तो मैंने देखा कि उसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रेशर एंगल जिस पॉइंट पर मिला, जिस ट्रेस पॉइंट पे मिला, उस पॉइंट का नाम बदल के पिच पॉइंट हो जाएगा। जिस जगह पे मुझे मैक्सिमम प्रेशर एंगल मिलेगा उस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, उस पॉइंट को बोल दूंगा पिच पॉइंट। पॉइंट क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये देखिए, तो यहां का जो प्रेशर एंगल है अगर वो मैक्सिमम है, जितने प्रेशर एंगल आपने निकाले पिच कर्व पे, उसमें लेट से सबसे ज्यादा मैक्सिमम मुझे यहां मिल रहा है, तो जिस पॉइंट पे मिला उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का नाम हो जाएगा पिच पॉइंट। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसका मतलब ट्रेस पॉइंट और पिच पॉइंट एक ही तरीके से है, एक ही तरीके से एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हमें प्रेशर एंगल उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल जाता है, जब हमें ट्रेस पॉइंट पर
प्रेशर एंगल सारे प्रेशर एंगल में सबसे ज्यादा मिल जाता है, तो जिस जगह पर सबसे ज्यादा मिला उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, उसका नाम बदल के हो जाएगा पिच पॉइंट। क्लियर है? क्या ये समझ में आया? आया नहीं आया, आगे बढ़े। ठीक, तो मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से आपको ये चीज समझा दी है। ठीक है, इसको बार बार आप देखिएगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लियर है ये चीज? तो हमने यहां पे क्या देख लिया, हमने प्रेशर एंगल भी देख लिया। तो हमने पांच चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ ली? हमने बेस सर्कल पढ़ लिया। बेस सर्कल के बाद हमने क्या पढ़ा? बेस सर्कल के बाद हमने पढ़ा ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट के बाद हमने समझा पिच कर्व। पिच कर्व के बाद प्राइम सर्कल, और अब हमने देखा प्रेशर एंगल। पता देखते हैं इसमें, इसको देखिए। इट रिप्रेजेंट्स द स्टीपनेस और स्लोप ऑफ द कैम प्रोफाइल। ये हमें क्या बताता है? जाहिर सी बात है, जो भी एंगल होगा, एंगल हमेशा स्लोप के बारे में बताता है, ढलान के बारे में। आपने ये पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, कभी ना कभी ये तो पढ़ा ही होगा, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। अरे सरल रेखा, क्लास टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ याद आ रहा है? तो वहां पे एम इज इक्वल टू टेन थीटा तो पढ़ा ही होगा। तो जो भी स्लोप होता है, जो भी एंगल होता है, एंगल हमेशा क्या करता है, ये जो एंगल है ये हमेशा क्या बताता है, एम। ये क्या होता है? ये ढलान के बारे में बताता है, स्टीपनेस। ठीक है, तो यही यहां लिखा हुआ है, जो प्रेशर एंगल है ये क्या बताता है, ये स्टीपनेस या स्लोप के बारे में बताता है ऑफ द कैम प्रोफाइल। इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड। क्या कह रहा है? इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड। इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड। अ हाई वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रेशर एंगल इज नॉट डिजायर्ड एट एज इट माइट जैम द फॉलोअर इन द बेयरिंग्स। ये हमने पढ़ा हुआ था कि जब फॉलोअर हमारा ऊपर जाता है तो हमें कम प्रेशर एंगल की रिक्वायरमेंट होती है, कल के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। इसलिए यही बोल रहा है, अ हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल इज Not desired। हमें ज्यादा प्रेशर एंगल नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रेशर एंगल होगा तो F साइन अल्फा की वैल्यू ज्यादा आएगी। याद आ रहा है? अरे कल वाला फिगर याद आ रहा है, F इधर था, अल्फा इधर था, तो F cos अल्फा क्या कर रहा था, F cos अल्फा ऊपर ले जा रहा था फॉलोअर को, इधर F साइन अल्फा आ रहा था। तो अगर अल्फा ज्यादा होगा तो F साइन अल्फा ज्यादा होगा, और F साइन अल्फा ज्यादा होगा तो इधर की जो गाइड्स लगी थी उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। ज्यादा फोर्स लगाएगा मतलब उस पर जैम होने के चांसेस हैं। भाई ऊपर ले जाने वाला फोर्स कम हो जाएगा, अगर ये वाला एफ साइन अल्फा ज्यादा हो गया तो एफ कॉस अल्फा कम हो जाएगा। तो अगर ऊपर ले जाने वाला फोर्स ही कम हो गया तो वहां पर वो जैम होने के चांसेस होंगे। इसलिए अल्फा की हमें ज्यादा हाई वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है? इसलिए हमें अल्फा की ज्यादा हाई वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलिए आगे देखिए, हाई वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रेशर एंगल इज नॉट डिजायर्ड एज इट, एज इट व्हाट, एज इट माइट जैम द फॉलोअर। क्या कर सकता है ये? फॉलोअर को जैम कर सकता है। हाई प्रेशर एंगल लेने पर जैमिंग की प्रॉब्लम आ सकती है फॉलोअर में। मैक्सिमम प्रेशर एंगल फॉर ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर 45 डिग्री एंड ट्रांसलेटिंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस जब हम यूज करते हैं अपने प्रैक्टिकल पर्पज में तो इतना नहीं यूज करते 45 डिग्री। ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है कि मैक्सिमम इतने तक जा सकता है, लेकिन जो हम यूज करते हैं वो 30 25 32 35 ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 45 तक, और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर में 30 डिग्री तक। क्लियर है ये? क्या प्रेशर एंगल समझ में आया सबको? आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिच पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, अभी अभी समझाया। इट इज द पॉइंट ऑन द पिच कर्व, मतलब पिच कर्व पे वो पॉइंट जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रेशर एंगल मिले, जहां पर आपको मैक्सिमम प्रेशर एंगल मिले पिच कर्व पर, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? उसको हम पिच कर्व पर, उस पॉइंट को हम बोल देंगे पिच पॉइंट। ठीक है, पिच कर्व पर जिस पॉइंट पर हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर एंगल मिलेगा उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? पिच पॉइंट। क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये पॉइंट आ रहा है समझ में? ठीक,
उसके बाद पिच सर्कल, देखिए आप पिच सर्कल देख लीजिए, अभी तक हमने दो सर्कल पढ़े हैं, कौन कौन से, पहला बेस सर्कल, दूसरा प्राइम सर्कल। बेस सर्कल क्या था, वापस से रिवाइज करिए, बेस सर्कल क्या था, इट वॉज द स्मॉलेस्ट सर्कल विच वॉज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम, जो कैम के सेंटर को केंद्र मानकर खींचा गया था, और ये किसके टेंजेंट था, ये किसके टेंजेंट था, कैम प्रोफाइल के। प्राइम सर्कल क्या था, प्राइम सर्कल किसके टेंजेंट था, प्राइम सर्कल पिच कर्व के टेंजेंट था, क्लियर है, और उसका भी सेंटर क्या था, सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम। अब देखते हैं पिच सर्कल, पिच सर्कल देखिए, इट इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पिच पॉइंट एंड कंसेंट्रिक विद द बेस सर्कल, मतलब अब ये वाला सर्कल कहां से पास कर रहा होगा, नाम देखिए, नाम में क्या लिखा है, पिच सर्कल, पिच सर्कल मतलब ये कहां से पास कर रहा होगा, ये वाला सर्कल पिच पॉइंट से पास कर रहा होगा, पिच सर्कल का मतलब है कहां से पास कर रहा होगा, पासेस थ्रू पासिस थ्रू पिच पॉइंट, और आपको पिच पॉइंट पता ही है, पिच पॉइंट क्या होता है, पॉइंट पॉइंट ऑन द पिच कर्व, वो वाला पॉइंट ऑन द पिच कर्व जहां प्रेशर एंगल इज, समझ आया, ये मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने सात चीजें पढ़ ली, आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, द पिच पॉइंट ऑन अ कैम इज, कह रहा पिच पॉइंट क्या होता है भैया, पिच पॉइंट अभी अभी हमने समझा था, पिच कर्व पर वो वाला पॉइंट जहां पर प्रेशर एंगल क्या हो सबसे मैक्सिमम, द पॉइंट ऑन द पॉइंट ऑन द कैम पिच सर्कल हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल, अ पिच पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द, देखो सबसे पहले तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द पिच सर्कल रेडियस फ्रॉम द सेंटर, गलत, क्या है, द पॉइंट ऑन द कैम पिच सर्कल, कैम पिच सर्कल का मतलब है पिच कर्व की बात कर रहा है, ठीक है, हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर अफ्रीका। नोट, अब यहां कुछ नोट पॉइंट देखिएगा, इन सारे नोट पॉइंट को एक एक हजार की नोट के साथ चिपका दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जितने नोट पॉइंट हैं सारे के सारे नोट पॉइंट एक क्वेश्चन है, खुद में एक क्वेश्चन है, ये जो पहला नोट पॉइंट है अपने आप में एक क्वेश्चन है, दूसरा नोट पॉइंट है अपने आप में एक क्वेश्चन है, तीसरा नोट पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, मतलब ये डायरेक्टली एग्जाम के क्वेश्चंस को यहां पे मैंने नोट पॉइंट के साथ चिपका दिया है, क्लियर है, देखते हैं, सबसे पहले नोट पॉइंट को देखिए, सबसे पहले वाले नोट पॉइंट को देखिएगा, क्या कह रहा है, समझिए, समझना ज्यादा जरूरी है, समझिए इसे, इन नाइफ एज फॉलोअर, ध्यान से सुनिएगा बात को, नाइफ एज फॉलोअर कैसे होता भैया, नाइफ एज फॉलोअर ये होता है, नाइफ एज फॉलोअर कि जहां पर जो फॉलोअर का टिप पॉइंट है एक शार्प एज हो, ठीक है, ये शार्प एज, ये मैंने क्या बनाई है, ये मैंने बनाई है कैम प्रोफाइल, ठीक है, ये मैंने बनाई है कैम प्रोफाइल, ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है, कैम का। अब इन नाइफ एज फॉलोअर बेस सर्कल एंड प्राइम सर्कल आर द सेम, क्या लाइन कही है, मजा आ गया, क्या लाइन कही है, बेस सर्कल एंड प्राइम सर्कल सेम होगा, किसमें, नाइफ एज फॉलोअर में, कैसे अभी आपको दिखा रहा हूं, एंड द पिच कर्व एंड द कैम प्रोफाइल आर सेम, देखिए इनको पहले तो हाईलाइट कर लेते हैं, इनको हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट कर लिया,
अब देखिए पढ़ते हैं वापस से, कह रहा है कि अगर मेरे पास नाइफ एज फॉलोअर होगा, उस नाइफ एज फॉलोअर में आप चाहे बेस सर्किल बनाओ या प्राइम सर्किल बनाओ, दोनों सेम है। मतलब बेस सर्किल को प्राइम सर्किल बोल सकते हैं, प्राइम सर्किल को बेस सर्किल बोल सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो कंडीशन तब जब वो हमारा कैसा फॉलोअर हो, नाइफ एज फॉलोअर हो। समझिए कैसे, अच्छा मुझे एक पॉइंट बताइए पहले, आप पॉइंट ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मेरा नाइफ एज फॉलोअर है तो क्या इसी पॉइंट को, क्या इसी पॉइंट को मैं ट्रेस पॉइंट बोल दूंगा? अगर मेरा नाइफ एज फॉलोअर है तो क्या इसी पॉइंट को, ये जो शार्प एज वाला पॉइंट है, क्या यही मेरा ट्रेस पॉइंट बन जाएगा? बताइए। और अगर मेरा रोलर फॉलोअर होता, यहां पे देखिए मैं छोटा सा रोलर फॉलोअर बनाता हूं, अगर ये मेरा रोलर फॉलोअर होता तो क्या यहां पर मेरा ट्रेस पॉइंट ये वाला पॉइंट होता, रोलर का सेंटर वाला पॉइंट यहां पर ये होता? क्लियर? अब देखिए क्या बोला मैंने, अगर यहां पर मुझे बेस सर्किल बनाना होता तो मैं ये जो कैम प्रोफाइल है मेरी, ये जो कैम प्रोफाइल है, कैम प्रोफाइल के टेंजेंट डायरेक्शन में मैं एक सर्कल खींच देता, स्मॉलेस्ट सर्कल कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का सर्कल खींचता और पिच कर्व कैसे बनाता, कैम को फिक्स मानते हुए, लेट्स से यहां पे इसका सेंटर है, कैम को फिक्स मानते हुए और इसके चारों तरफ अगर मैं इस ट्रेस पॉइंट को घुमा देता इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो ये ग्रीन लाइन मेरी क्या हो जाती, ग्रीन लाइन मेरी पिच कर्व हो जाती, ग्रीन लाइन मेरी क्या हो जाती, पिच कर्व हो जाती। अब अगर मैं प्राइम सर्किल बनाता तो प्राइम सर्किल बनाने के लिए क्या करता, प्राइम सर्किल बनाने के लिए अब मुझे एक सर्कल खींचना है, विच शुड बी व्हाट, विच शुड बी टेंजेंट टू पिच कर्व। अब इसको पिच कर्व को टेंजेंट खींचते हुए मुझे एक सर्कल खींचना है और उसका सेंटर बिल्कुल वही होना चाहिए जो कैमशाफ्ट वाला सेंटर है, मतलब सेंटर दोनों का यही मानना है। अब देखो अगर दोनों में फर्क क्यों आया, क्योंकि ट्रेस पॉइंट इस वाले पॉइंट से ऊपर उठ गया। अगर यही मेरा ट्रेस पॉइंट हो जाता जैसा यहां पे दिखाई दे रहा है, अगर यही मेरा ट्रेस पॉइंट ही हो गया, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप यहां बेस सर्कल बनाओ तो कैम प्रोफाइल के टेंजेंट डायरेक्शन में क्या हम एक सर्कल खींच देंगे कुछ इस तरीके का, ये आपको सर्कल तो नहीं दिखाई दे रहा, अप्रोक्स सर्कल मान लीजिए, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेस सर्कल। अब क्या यही मेरा ट्रेस पॉइंट हो गया नाइफ एज फॉलोअर में, क्या यही मेरा ट्रेस पॉइंट हो जाएगा? और पिच कर्व बनाने के लिए मैं क्या बोलूंगा, पिच कर्व बनाने के लिए मैंने कैम को एज इट इज रोक लिया और इस ट्रेस पॉइंट को चारों तरफ घुमा लीजिए, किसके, कैम प्रोफाइल के, तो घुमाइए जरा, घुमाते हैं तो जरा इस ट्रेस पॉइंट को इस कैम प्रोफाइल के चारों तरफ घुमाइए, तो क्या ये इसी पर ओवरलैप कर जाएगा, बताइए क्या ये इसी पर ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि यहां पर ट्रेस पॉइंट बिल्कुल कांटेक्ट में है, किसके साथ, बिल्कुल कांटेक्ट में है कैम प्रोफाइल के साथ, तो क्या यही कैम प्रोफाइल ही मेरा, क्या यही कैम प्रोफाइल ही मेरा पिच कर्व भी बन जाएगा? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? वही तो लिखा हुआ है यार यहां पर, द पिच कर्व एंड कैम प्रोफाइल विल बी सेम। तो देखिए क्या कैम प्रोफाइल और पिच कर बिल्कुल सेम हो गए नाइफ एच फॉलोअर में, ये कौन सा फॉलोअर है मेरा, ये नाइफ एच फॉलोअर है। नाइफ एच फॉलोअर, ठीक है। और अब पिच कर पे अगर मुझे एक सर्कल खींचना है, अगर मुझे पिच कर पर एक सर्कल खींचना है, चलिए खींचते हैं पिच कर्व के टेंजेंट, तो जब मेरा पिच कर्व और कैम प्रोफाइल ही सेम हो गया, तो चाहे आप कैम प्रोफाइल के टेंजेंट खींचो या पिच कर्व के टेंजेंट खींचो, अब तो सेम बात होगी, ठीक। तो अगर आप इसके टेंजेंट खींचोगे तो इस बार ये क्या करेगा, बेस सर्किल पर ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, बेस सर्किल पर। फिगर थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है उतना आप थोड़ा माफी करिएगा,
तो दिख रहा है क्या ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, तो क्या इस केस में मेरा बेस सर्किल और यही मेरा प्राइम सर्किल हो जाएगा? तो वही तो नोट पॉइंट लिखा है, इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोअर, इन केस ऑफ नाइफ एज फॉलोअर प्राइम सर्किल एंड बेस सर्किल आर द सेम, और मेरा क्या हो जाएगा पिच कर्व और कैम प्रोफाइल दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ दोनों का? बोलिए क्लियर है पॉइंट? मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई हो। ठीक, इसको मैं क्लियर करता हूं। आगे देखिए, आते हैं दूसरे नोट पॉइंट पे, इन रूलर फॉलोअर। अब किसकी बात कर रहा है? रूलर फॉलोअर में रेडियस ऑफ प्राइम सर्किल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस सर्किल प्लस रेडियस ऑफ रूलर। अरे तो बहुत आसान बात है, ये तो बहुत आसान बात है। चलिए रूलर फॉलोअर बना लेते हैं। यहां पे हम कैम प्रोफाइल बना ली, ठीक है। अब यहां पे हमें रूलर फॉलोअर लेना है। ये रूलर फॉलोअर का हो गया सेंटर, ये हो गया रूलर फॉलोअर का सेंटर, ठीक है। अब रूलर फॉलोअर का अगर ये सेंटर हो गया, ठीक है, तो हमको हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे पिच कर। पिच कर कैसे बनाएंगे? पिच कर को हम ग्रीन लाइन से बना लेते हैं। बनाइए ग्रीन लाइन से पिच कर को। पिच कर को हमने यहां पे ग्रीन लाइन से बना लिया, ठीक है। दिस इज पिच कर। और ये हो गया मेरा क्या? ये हो गया मेरा कैम प्रोफाइल। यहां पे बेस सर्कल कैसे होगा? बेस सर्कल को रेड कलर से बनाते हैं। बेस सर्कल को हम रेड कलर से बनाते हैं। ठीक है, ये हमने बेस सर्कल को रेड कलर से बना लिया, ठीक है। और अब हम प्राइम सर्कल कैसे बनाएंगे? प्राइम सर्कल तो भैया पिच कर्व पे बनेगा, तो बनाते हैं प्राइम सर्कल को। यहां पर देखिए, प्राइम सर्कल को इसके टेंजेंट खींचना है। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, ये डिस्टेंस क्या दिखाई दे रही है? ये डिस्टेंस क्या रोलर की रेडियस नहीं दिखाई दे रही है आपको? सेंटर पॉइंट के रोलर से यहां तक के डिस्टेंस, क्या इसको मैं आर आर बोल सकता हूं? आर ऑफ आर, रेडियस ऑफ रोलर, आर आर को रेडियस ऑफ रोलर बोल दिया, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ प्राइम सर्किल होगा, देखिए, अगर मुझे दिस इज माय प्राइम सर्किल, दिस इज माय प्राइम सर्किल, और रेड कलर क्या है? रेड कलर क्या है? रेड कलर है बेस सर्किल, ठीक है, रेड कलर है बेस सर्किल। अब देखिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे प्राइम सर्किल की रेडियस चाहिए, ये जो मेरा प्राइम सर्किल है, प्राइम सर्किल की अगर रेडियस चाहिए, अगर ये मुझे चाहिए प्राइम सर्किल की रेडियस, तो कैसे मिलेगा? आप बेस सर्किल की रेडियस में, ये जो बेस सर्किल की रेडियस है जिसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूं, ये क्या है? ये किसकी रेडियस है? ये तो आर ऑफ बेस सर्किल है, बेस सर्किल की रेडियस है। और ये डिस्टेंस कौन सी है? ये डिस्टेंस कौन सी है? अरे यार, ये क्या है? ये तो आर आर है ना, रेडियस ऑफ रोलर। तो अगर मुझे प्राइम सर्किल की रेडियस चाहिए, तो आर ऑफ प्राइम कितना हो जाएगा? आर ऑफ प्राइम कितना हो जाएगा? आर ऑफ प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस सर्किल की रेडियस, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ बेस सर्किल प्लस आर ऑफ आर, रेडियस ऑफ रोलर। तो यही तो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, क्लियर है। अब आपने गियर टर्मिनोलॉजी समझ, ये जो कैम टर्मिनोलॉजी है समझ ली, आपके अब हाथ इतनी तेजी से भागेंगे अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। मैंने उतने आसान ढंग से आपको समझाने की कोशिश भी की है, क्लियर। चलिए, साइज ऑफ अ कैम डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है भैया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट स्लाइड है हमारा 4 पॉइंट। देखिए कैम रोटेशन एट विच फॉलोअर रिमेन्स एट रेस्ट इज नोन एज ड्वेल। ये भी हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ रखा है। यहां पे ये हमने सबको क्या किया हुआ है, सबको हमने एक साथ समराइज कर दिया है। ठीक है, यहां पर हमने सबको एक साथ समराइज कर दिया है, एक साथ कि जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने एक साथ समराइज कर दिया। कैम रोटेशन एट विच मतलब जब कैम घूम रहा होता है और फॉलोअर हमारा एक स्टेशनरी पोजिशन पे रुका रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्वेल पीरियड। ठीक है, कैम रोटेट्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी हमने पढ़ा है कि जो ओमेगा होता है हमारा, ओमेगा कैसा होता है, ओमेगा हमारा होता है यूनिफॉर्म। ठीक, एंगल ऑफ ड्वेल कैम, एंगल ऑफ ड्वेल क्या होता है, कैम रोटेशन एंगल ड्यूरिंग ड्वेल, मतलब जब तक फॉलोअर मेरा रुका हुआ है, मतलब कैम रोटेट कर रहा है और फॉलोअर अपनी जगह पे, ना ही ऊपर जा रहा ना ही नीचे जा रहा है, तो जब फॉलोअर अपनी पोजीशन पर रुका हुआ है, कैम ने कितना एंगल घूम लिया, कैम ने कितना एंगल घूमा जब तक फॉलोअर अपनी ही पोजीशन पे रुका हुआ है, तो कैम जितने एंगल से रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ड्वेल। ठीक, एंगल ऑफ एक्शन एसेंट या डिसेंट, मतलब ऐसे ही क्या हो जाएगा, जब कैम रोटेट करता है और फॉलोअर मेरा ऊपर की तरफ जाता है, तो जब तक फॉलोअर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जब फॉलोअर का राइज हो रहा है, तो कैम ने जितना एंगल घूमा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एसेंट। ठीक है, ऐसे ही जब कैम रोटेट कर रहा है और फॉलोअर नीचे आ रहा है, तो जब तक फॉलोअर ने जहां से नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया और जब तक नीचे जा रहा है, उसका रिटर्न हो रहा है नीचे की तरफ, डिसेंट कर रहा है, तो कैम ने उस दौरान जितना एंगल घूमा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिसेंट। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन देखिएगा, द फॉलोअर इन विच एक्सेसिव वियर इज प्रेजेंट, कौन सा फॉलोअर है जिसमें एक्सेसिव वियर प्रेजेंट होता है, दिस इज योर एच डब्ल्यू। इसको सॉल्व करिएगा आप, ठीक है, आपका होमवर्क है ये, हमने पढ़ रखा है कई सारा, उसमें बताइएगा कौन सा फॉलोअर है जिसमें एक्सेसिव वियर आपको मिलता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।